नमस्कार। भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के क्षेत्र में आज के समय कोरोना के लगभग 840 पेशेंट्स एक्टिव हैं। उनमें से 710 पेशेंट हैं वो एकदम ठीक हैं और उनके पास घर में अच्छी सुविधा होने की वजह से उनको होम आइसोलेशन अलाउ किया गया है। इसके अलावा लगभग 110 पेशेंट जो एक्टिव हैं वो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। उनमें से 30 पेशेंट भिवंडी कॉरपोरेशन के बाहर, या तो उनका पता भिवंडी का है या फिर भिवंडी में उन्होंने टेस्ट करवाया, इस वजह से उनका नाम भिवंडी में आ रहा है, वो पेशेंट भिवंडी के बाहर एडमिट है। और इसके अलावा लगभग 85 पेशेंट हैं वो भिवंडी शहर में भिवंडी के अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं। उसमें से लगभग 55 पेशेंट हैं वो भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दो सेंटर वराल देवी और खुदाबख्श हॉल में एडमिट हैं। और जैसा कि भिवंडी कॉरपोरेशन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, भिवंडी के नागरिकों के लिए भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बेड की कोई कमी नहीं है। आज की तारीख में भिवंडी में भिवंडी कॉरपोरेशन के सिर्फ 80 पेशेंट एडमिट हैं और उनमें से भिवंडी में टोटल अगर बेड्स की आप संख्या देखेंगे तो 850 से भी ज़्यादा बेड हमारे पास उपलब्ध हैं। उसमें से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से खुदाबख्श और वराल देवी में कुल मिलाकर 260 के आसपास बेड उपलब्ध हैं। उसमें से अभी तक सिर्फ 100 या 110 बेड भरे हुए हैं, लगभग 150 बेड अभी भी खाली हैं। तो भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नागरिकों के लिए बेड की कोई भी कमतरता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में भी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं है, इसकी मैं आपको निश्चित करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो कोविड मैनेजमेंट में दूसरी बात होती है कंटेनमेंट की, तो भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कल तक लगभग 45 कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए हैं। वहाँ पर लगभग इन 45 कंटेनमेंट जोन में से पिछले 800 केसेज में से ज़्यादातर केसेज आए हैं। वहाँ पर हमारी टीम घर घर जाकर लोगों की जांच भी कर रही है। इस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो भिवंडी कॉरपोरेशन ने अपनी टेस्टिंग को बहुत हद तक बढ़ाया है। अब हम लोग लगभग रोज़ के 700 से 800 टेस्ट कर रहे हैं और ये संख्या एक या दो दिन में बढ़ाकर हम 1000 से ज़्यादा करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे MMR में सबसे कम पॉजिटिविटी रेट आज की तारीख पे भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है। हमारी पॉजिटिविटी रेट लगभग 10% के आसपास है और पिछले 10 दिन में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम हुई है और पिछले 10 दिन के अंदर भिवंडी में कोरोना के मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं सारे नागरिकों से ये एक विनती करूँगा कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए और जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है लॉकडाउन, कोई भी बिना कारण घर से नहीं निकले, सिर्फ कोई ज़रूरी काम हो, अत्यावश्यक सेवा के लिए बाहर निकले, उसके अलावा बाहर निकलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप पुलिस द्वारा जो लॉकडाउन का एनफोर्समेंट किया जा रहा है उसमें आप पुलिस का और प्रशासन का सहकार्य करें। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, इन तीनों चीज़ों पर हमारा फोकस है और भिवंडी कॉरपोरेशन को पूरी हमारे तरफ से तैयारी की गई है। इसके अलावा जैसे ही पेशेंट अगर इनकेस बढ़ते भी हैं तो हमने हमारे पास रईस हाई स्कूल को तैयार करके रखा है, टाटा अमन को तैयार करके रखा है और संपदा हॉल को तैयार करके रखा है। जैसे ही हमारे पास ये फैसिलिटी 50% से ज़्यादा भरेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तो हम ये फैसिलिटी शुरू करेंगे। लेकिन आज की तारीख में हमारी अवेलेबिलिटी बेड की 60% के आसपास है और 40% बेड ही भरे हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़े दो मसले बाकी कोविड हॉस्पिटल को और हमारे सारे नागरिकों को फेस करने पड़ रहे हैं, एक ऑक्सीजन की कमी का और एक रेमडेसिविर का। उसके लिए दोनों चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल की जा रही है। रेमडेसिविर के लिए जैसा कि गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किया है, आज से रेमडेसिविर गवर्नमेंट का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टली कोविड हॉस्पिटल्स को उनकी मरीजों की संख्या और उनकी हालत के हिसाब से देगा। तो मैं सारे नागरिकों से आह्वान करूँगा कि किसी भी तरीके की गलत प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केट से या गलत तरीके से ना खरीदें। जिस पेशेंट को जरूरत है उस पेशेंट के कोविड हॉस्पिटल को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन FDA के साथ में कोऑर्डिनेट करके रेमडेसिविर उपलब्ध कराएगा। ब्लैक मार्केटिंग को हम पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन के लिए भी हमने कल गवर्नमेंट के साथ हमारी बात चल रही है, हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सारे हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की हम उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे और ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल को नहीं होने वाली है, इसकी हम लोग तैयारी करें। थैंक यू।